का संकेत देते हैं ये पांच सपने, आपने भी देखे हैं तो हो जाइए खुश। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। जी हाँ, स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि व्यक्ति का हर सपना उसे आने वाले भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ संकेत दे सकता है। यह संकेत शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। ऐसे में आज हम आपको ऐसे पांच सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके देखने पर व्यक्ति को अपने करियर में तरक्की मिल सकती है। स्वप्न शास्त्र में व्यक्ति के सपनों को बहुत ही खास माना गया है। हर सपना भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित माना जाता है। जहाँ कुछ संकेत आपको भविष्य में होने वाले लाभ का संकेत देते हैं, तो वहीं कुछ संकेत अशुभ घटनाओं की ओर भी संकेत करते हैं। स्वप्न शास्त्र में कुछ सपनों को बहुत ही अच्छा माना जाता है। आइए मेरे साथ जानिए उन सपनों के बारे में। सबसे पहले, यदि आप खुद को सपने में मिट्टी खोदते हुए देखते हैं, तो स्वप्न शास्त्र में ऐसा सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपको अपने करियर में अपार सफलता मिलने वाली है। इसके साथ ही नौकरी या बिजनेस में लाभ के योग भी बन रहे हैं। वहीं अगर आप सपने में खुद को गेंद से खेलते हुए देखते हैं, तो इस सपने को भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसका अर्थ है कि करियर के क्षेत्र में आने वाली आपकी सारी समस्याएं जल्द ही दूर होने वाली हैं और आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इसी के साथ, जब कोई व्यक्ति सपने में खुद को ढोल बजाते हुए देखता है, तो यह भी करियर की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। यह सपना संकेत देता है कि आपको जीवन में जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है। वहीं अगर कोई व्यक्ति सोते समय सपने में खुद के हाथों को मैला देखते हैं, तो इसे भी सपने शास्त्र में एक शुभ सपने के तौर पर देखा जाता है। इसका अर्थ है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आखिर में, अगर कोई व्यक्ति सोते समय सपने में खुद के हाथों को मैला देखे, तो इसे शुभ माना जाता है और आपको सफलता मिल सकती है। वहीं पांचवा स्वप्न यह है कि यदि आप स्वयं को ऊंचाई पर चढ़ते हुए देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन में काफी सफलताएं मिलने वाली हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।